हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आपका स्वागत है मेरे चैनल सरकारी वैकेंसी में। आज मैं आपके सामने एक और नई वैकेंसी लेकर आई हूँ। ये वैकेंसी निकली है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड में, और ये वैकेंसी की नोटिफिकेशन आई थी 6 फरवरी को। ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस की है, वेरियस पोस्ट है इसमें। फर्स्ट पोस्ट है इसमें CSSD टेक्नीशियन की। एज लिमिट है इसमें 21 से 35 वर्ष। नंबर ऑफ पोस्ट है एक, और इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है मेडिकल टेक्नोलॉजी विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन CSSD इन अ 200 बेडेड हॉस्पिटल। सेकेंड पोस्ट है इसमें न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नीशियन की। नंबर ऑफ पोस्ट है 2। एज लिमिट इसमें मांगी गई है 35 वर्ष तक। डिग्री और इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है डिग्री इन न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी अप्रूव्ड बाई AERB फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। ठीक है। और थर्ड पोस्ट है इसमें परफ्यूशनिस्ट। नंबर ऑफ पोस्ट है इसमें 2, और इसमें एज लिमिट है 35 वर्ष तक की। इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है डिग्री इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल, और 2 ईयर एक्सपीरियंस इन कंडक्टिंग परफ्यूजन इन अ हॉस्पिटल। ठीक है। फोर्थ पोस्ट है इसमें लैब अटेंडेंट की, ग्रेड 2। इसमें एज लिमिट मांगी गई है 18 से 27 वर्ष तक की। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट है 41। इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है 12th पास विद साइंस डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ठीक है। सिक्स्थ पोस्ट है इसमें लैब टेक्नीशियन की। नंबर ऑफ पोस्ट है इसमें 1। इसमें एज लिमिट मांगी गई है 21 से 30 वर्ष तक की। इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है 12th पास विद साइंस और डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। और फिफ्थ पोस्ट है इसमें जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की। एज लिमिट इसमें मांगी है 21 से 35 वर्ष तक की। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट है 10। क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है मेडिकल रिकॉर्डर के लिए इसेंशियल फॉर जूनियर मेडिकल ऑफिसर। ठीक है। 12th पास विद साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड विद एट लीस्ट 6 मंथ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट और कोर्स इन मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट हैविंग 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग इन अ हॉस्पिटल सेटअप। सेवंथ पोस्ट है इसमें फार्मा केमिस्ट की। एज लिमिट इसमें मांगी गई है 21 से 27 वर्ष तक की। इसमें पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट है 1। क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, शुड बी अ रजिस्टर्ड फार्मिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948। एट पोस्ट है इसमें फार्मिस्ट ग्रेड 2 की। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट है 8। इसमें एज लिमिट मांगी गई है 18 से 30 वर्ष तक की। इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, शुड बी अ रजिस्टर्ड फार्मिस्ट अंडर द फार्मिस्ट एक्ट 1948। ठीक है। नाइन्थ पोस्ट है इसकी डार्क रूम असिस्टेंट ग्रेड 2। नंबर ऑफ पोस्ट है इसमें 5। एज लिमिट है इसमें 21 से 30 वर्ष तक की। क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। और 10th पोस्ट है इसमें डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की। नंबर ऑफ पोस्ट है इसमें 4, और इसमें एज लिमिट जो मांगी गई है 21 से 27 वर्ष तक की। इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, शुड बी रजिस्टर्ड फार्मिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948। तो इसी क्वालिफिकेशन में दो तीन वैकेंसी निकाली गई है। 11th पोस्ट है इसमें मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की। नंबर ऑफ पोस्ट है इसमें 38। एज लिमिट इसमें मांगी गई है 18 से 30 वर्ष तक की, और इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें है बी साइंस मेडिकल रिकॉर्ड और 12th पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 6 मंथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट और कोर्स इन मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग इन अ हॉस्पिटल सेटअप। 12th पोस्ट है इसमें सीनियर मैकेनिक की। एज लिमिट है इसमें 18 से 40 वर्ष तक की। नंबर ऑफ पोस्ट है इसमें 6। क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है 10th पास और ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिमम 12 मंथ। ठीक है। 13 पोस्ट है इसमें जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी। नंबर ऑफ पोस्ट है 1, और एज लिमिट इसमें मांग गई है 21 से 30 वर्ष तक की।
इसमें क्वालिफिकेशन मांग गई है 12th पास, और स्किल टेस्ट होगा इसमें शॉर्ट हैंड का। इसमें सैलरी भी बताई गई है किसको कितनी मिलेगी। इस फॉर्म भरने की फिल करने की इसकी लास्ट डेट है 22 फरवरी। इसमें वेबसाइट की वेबसाइट और अपनी ईमेल आईडी भी दी गई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी और वेबसाइट डाल दूंगी, आप देख लेना। पसंद आए मेरी वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नई नई वीडियो वैकेंसी की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।